गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने जो है हमारी ये जो डिजिटल अवेयरनेस सीरीज़ है वो शुरू की हुई है, जिसमें हम जो है आपको कंप्यूटर बेसिक्स करवाते हैं। ये जो डिजिटल अवेयरनेस की ये जो सीरीज़ है, जितने भी ग्रुप बी के जो एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें जो है आपको जो आपके कंप्यूटर नॉलेज जिसमें आपकी टेस्ट की जाती है, उन सभी के लिए ये सीरीज़ जो है लेके आए हैं। स्पेशली अभी ये जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम निकला है, पंजाब पुलिस ने जो एग्ज़ाम निकाला है जो सब इंस्पेक्टर का, उसमें उस एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कंप्यूटर बेसिक्स में से। तो इसकी जो पिछली क्लास थी वो हम ऑलरेडी यूट्यूब पर जो है वो अपलोड कर चुके हैं। आज इसकी सेकंड क्लास होगी। पिछली क्लास में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की थी, आज की क्लास में जो है हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है ये फंक्शनल बिहेवियर के साथ डील करता है कि ये जो होगा कंप्यूटर जो होगा इसका फंक्शनल बिहेवियर किस तरीके का हो, या फिर ये जो होगा कंप्यूटर होगा किस तरीके से फंक्शन करेगा। ठीक है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरीके से फंक्शन करेगा, या फिर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस तरीके से फंक्शन करेगा। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम यूनिट। ठीक है, इसको इसका सिस्टम का लॉजिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, या फिर इसको बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है यही फॉर्म करता है बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो अब देखते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है उसमें होता क्या क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक उसमें होता है इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट जो यूनिट जो होता है वो जो इंफॉर्मेशन होता है या आपका जो डेटा होता है उसको प्रोवाइड करवाता है इसको आपके सीपीयू को। सीपीयू में क्या क्या होता है, सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है, और इसी के साथ एक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होता है। ठीक है, प्राइमरी जो स्टोरेज यूनिट होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के साथ जो है डेटा जो है वो इंटरचेंज करता है। ठीक है, और फाइनली एक होता है आपका आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब ये जो सारे यूनिट्स हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं उसको धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप वो देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कंपोनेंट्स में ही। ठीक है, ये जो मैंने मेन कंपोनेंट्स जो थे ये आर्किटेक्चर था, ये मैंने आपको समझा दिया। आपके एग्जाम में एज सच ये जो फिगर है या ये जो आर्किटेक्चर है ऐसे नहीं आएगा आपको, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के उस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एरोज हैं वो डिनोट करते हैं कि ये जो डॉटेड एरोज है वो डिनोट करते हैं कंट्रोल फ्लो को, और जो सिंपल एरो है वो डिनोट करता है आपका डेटा फ्लो को। ठीक है, तो ये डेटा फ्लो क्या होता है और जो कंट्रोल फ्लो है वो क्या होता है उसके बारे में भी हम आज ही की क्लास में देखेंगे। कंपोनेंट्स में देखते हैं पहले। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री मेन कंपोनेंट्स, कौन कौन से, एक आपका इनपुट आउटपुट यूनिट। ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट यूनिट। ठीक है, एक यूनिट एक कॉम्पोनेंट ये हो गया, दूसरा कॉम्पोनेंट हो गया मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट में क्या क्या आएगा, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है, ये आपका मेमोरी यूनिट। देन आपका आ गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, आपसे जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन जो होती है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो मान लो आप ये जो नॉर्मल डेफिनेशन है ये आप करके चले जाओगे, सिस्टम यूनिट की डेफिनेशन अगर आप नहीं करके जाओगे तो इसके ऊपर भी जो है आपको सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिस्टम यूनिट वो होता है बेसिकली, ये जो आपके कंप्यूटर का जो केस होता है ना, प्लास्टिक केस, या जिसमें आपका ये जो सारा सीपीयू मतलब जो आपका बॉक्स होता है सीपीयू का, पूरा मदरबोर्ड वगैरह वो सब मिला के, वो जिस बॉक्स में रखा जाता है या मेटल का हो चाहे प्लास्टिक का हो, उस चीज को कहते हैं सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, इसलिए ये नोट में करके डाला है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब बाकी चीजों के बारे में सबको पता होता है, ये सिस्टम यूनिट ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, तो यहीं पे जो है आप जो होते हो इसमें मात खा जाते हो। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। अब सभी को इलेबोरेटिवली सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इनपुट यूनिट में, इसका काम क्या होता है इनपुट यूनिट का। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, द कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडेड इन्फॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूजर। ठीक है, मान लो कोई यूजर हो, मान लो आप ही हो, आपने क्या किया, कंप्यूटर को कुछ इन्फॉर्मेशन दी, तो वो जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के पास जाएगी वो कोडेड फॉर्म में जाएगी। ठीक है, तो कंप्यूटर उसको जो है डीकोड करके उस इन्फॉर्मेशन को, उस कोडेड इन्फॉर्मेशन को सीपीयू के पास पहुंचाएगा, और वो सीपीयू आगे उस इन्फॉर्मेशन को आपका क्या कहते हैं आउटपुट यूनिट पे पहुंचाएगा, और फिर वो आउटपुट यूनिट क्या करेगी, वो इन्फॉर्मेशन आगे आपको प्रोवाइड करवा देगी। तो अब देखते हैं इनपुट यूनिट परफॉर्म क्या क्या करता है।
क्या क्या फंक्शन होते हैं। इट एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, ठीक है। पिछली क्लास में हमने इंस्ट्रक्शन और डेटा के बारे में किया था। इंस्ट्रक्शन और जो डेटा होता है उसमें मेन डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि जो डेटा होता है वो रॉ फिगर्स एंड फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको जो है रॉ डेटा को जब कंपाइल करके एक अच्छे से जो है वो बना लिया जाता है, अच्छे से उसको कंपाइल कर लिया जाता है, तब उसको इंस्ट्रक्शंस कह दिया जाता है। तो ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है रॉ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर, ठीक है। हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी, उसके बाद वो क्या करेगा, इन इंस्ट्रक्शंस को और डेटा को कन्वर्ट करेगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म में जो कंप्यूटर है वो एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। कंप्यूटर एक्सेप्ट कर सके का मतलब है जो आपका सीपीयू वो एक्सेप्ट कर सके। देन इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। और उसके बाद ये जो है कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस को जो है कंप्यूटर सिस्टम को सेंड कर देगा या ट्रांसफर कर देगा, और जो आगे जो है कंप्यूटर जो आपका सेंट्रल सीपीयू है वो उसको आगे प्रोसेस करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इनपुट यूनिट का काम। अब देखते हैं आउटपुट यूनिट का काम। जो डेटा इसने इनपुट यूनिट ने सीपीयू को प्रोवाइड करवाया था वही डेटा सीपीयू आगे उसको प्रोसेस करके वो उस डेटा को वो आउटपुट यूनिट को सेंड कर देगा। दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस डेटा रिजल्ट टू द यूजर, और ये जो आउटपुट यूनिट होगा वो हमें डेटा जो है हमें प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं आपके आउटपुट यूनिट में, मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, प्लॉटर आ गया, ठीक है। इनपुट यूनिट में क्या क्या आते हैं आपके, इनपुट यूनिट में हो गया आपका जो कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया, ठीक है, वो आते हैं आपके इनपुट यूनिट में। जिनके थ्रू हम कुछ ना कुछ इनपुट करें वो इनपुट यूनिट में आएंगे, और जिनके थ्रू हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिले वो आउटपुट यूनिट में आएंगे, ठीक है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। जो फंक्शंस इनपुट यूनिट के थे उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट फंक्शन जो होंगे वो आउटपुट यूनिट के होंगे, ठीक है। इसका इसका फंक्शन क्या था, इट एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। तो ये क्या करेगा, इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर इन द कोडेड फॉर्म एंड हेंस कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड बाय द यूजर, ठीक है। जो डेटा जो है कंप्यूटर ने जो है या सीपीयू ने जो है आपके आउटपुट यूनिट को दिया वो डेटा जो है एक यूजर के लिए वो अंडरस्टूडेबल फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से आउटपुट यूनिट का काम ये होता है कि उस डेटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए ताकि वो जो डेटा है वो आपको जो यूजर है उसको समझ में आ जाए। नेक्स्ट, इट कन्वर्ट दीज कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। नेक्स्ट, इट सप्लाई द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूजर, ठीक है। वो यूजर से जो डेटा था वो ले रहा था, ये यूजर को जो है डेटा दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। वो उसके अलावा वो क्या कर रहा था, वो जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको कन्वर्ट कर रहा था ताकि जो है कंप्यूटर को समझ में आ जाए। ये इंस्ट्रक्शंस को इस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है कि ह्यूमन को समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोनों के जो फंक्शन है एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। इट कंसिस्ट अ सेट ऑफ रजिस्टर्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट विच टुगेदर इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन द असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर के समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें होते हैं सेट ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स होते हैं इसमें। रजिस्टर बेसिकली एक मेमोरी ही होती है जिसमें जो है हम जो है अपने जो करेक्टर्स जो है या फिर जो आपके डेसिमल्स जो है या आपके नंबर्स जो है उनको सेव करते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं रजिस्टर्स। देन आपका आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी करेंगे आगे जाके ये क्या होता है, और उसमें होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और ये सब मिलके क्या करते हैं, ये इंटरप्रेट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को इन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है। अब देखते हैं इसके प्राइमरी फंक्शंस। सीपीयू ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर्स, ठीक है। सीपीयू क्या करता है, जो ट्रांसफर करता है इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट डेटा को मेन मेमोरी से रजिस्टर में, ठीक है, जिसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। देन सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट करता है और स्टोर करता है सीक्वेंस को, जो वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं सीक्वेंस में स्टोर होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। When necessary, CPU transfer output data from register to main memory. और जब भी उसको जरूरत फील होती है तो ये क्या करता है, आउटपुट डेटा को जो है रजिस्टर से मेन मेमरी में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। ये हमने देखा था ना यहाँ पे, ये देखो मेन मेमरी या सेकेंडरी स्टोरेज, इसको मेन मेमरी भी कहते हैं, ठीक है। जब उसको जरूरत फील होती है तो ये इस यहां से डेटा उठा के मेन मेमरी में जो है सेंड कर देता है। नेक्स्ट आते हैं, सीपीयू इज ऑफन कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो आ चुका है कि जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, सीपीयू को।
इसको और क्या कहा जाता है, सीपीयू इज अ सिंगल फैब्रिकेटेड इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। कल मैंने दिखाई थी आपको कि इंटीग्रेटेड चिप जो होती है किस तरीके की नजर आती है, एंड इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। आज दिखाऊंगा आपको माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके का दिखता है। उसके अलावा इसके जो सब सब सिस्टम्स होते हैं जो हमने करने हैं वो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों ही सही है। इट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट एग्जीक्यूट ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जब जैसे आपका प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड हो गया, ठीक है, और लॉजिकल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि आपके एंड और एंड नॉट और एक्सऑर, ठीक है, ये जो गेट्स होते हैं इनको बोला जाता है लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो मोस्ट ALU कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, आपको आपके एग्जाम के लिए याद रखना है कि ये कौन कौन से करते हैं, ठीक है। ये इन दो के बारे में सबको पता होता है, लॉजिकल और अर्थमेटिकल के बारे में, ठीक है। लॉजिकल में कौन कौन से आते हैं, एंड नॉट और एग्जॉर, ठीक है, और इसी के साथ और भी होते हैं, एक नैंड होता है, ठीक है, ये होता है नॉट एंड से मिलके, और एक नॉर होता है, ये नॉट और से मिलके बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इसमें इसमें चार ऑपरेशंस आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। उसके अलावा आता है बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। बिट शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि शिफ्ट करना या फिर रोटेट करना बिट को, ठीक है, तो बिट को या वर्ड को, ठीक है, रोटेट करना या फिर शिफ्ट करना उसको कहते हैं बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन, वो परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और चौथा जो होता है कंपैरिजन ऑपरेशन, ठीक है, कंपेयर करना दो वैल्यूज को कि दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, लेस देन है, मोर देन इक्वल है या लेस देन इक्वल है, ठीक है, या फिर मोर देन है, ठीक है। तो ये सारे जो काम है ये आते हैं कंपैरिजन ऑपरेशन के अंदर। तो मान लो अगर आपको सवाल आ जाए कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या क्या ऑपरेशन करता है, तो ध्यान में रखना है आपको कि सिर्फ ये दो ऑपरेशंस नहीं करता, साथ में ये दो ऑपरेशंस भी ये जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आते हैं रजिस्टर्स में, रजिस्टर क्या होते हैं, दीज आर यूज टू क्विकली एक्सेप्ट स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्विकली ये एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो ये होता है रजिस्टर का काम। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, इट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय कम्युनिकेटिंग विद ALU एंड रजिस्टर्स, ठीक है, ये ALU और रजिस्टर के साथ जो है कम्युनिकेट करता है और डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को टू कैरी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मतलब जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर की गई है, तो ये कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है कि अब जो है आप उनको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। द बेसिक फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इज टू फेच द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर की गई है उनको फेच करके आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑपरेशन जो है उन पर परफॉर्म करना है, और डिवाइस को जो है जो उसमें जितनी भी डिवाइसेस जो है इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे कि मान लो अगर आउटपुट देनी है तो कौन सी डिवाइस आपकी इन्वॉल्व होगी, मॉनिटर होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी जो आउटपुट है वो मॉनिटर पे आएगी। इनपुट देनी है तो कौन सी डिवाइस जो इन्वॉल्व होगी वो आपकी या तो कीबोर्ड होगी या फिर माउस होगी, ठीक है। तो ये उनको बोलता है कि उनको जो जनरेट जो है सिग्नल जो है कंट्रोल सिग्नल जो है जनरेट करने हैं वो काम है कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ये कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो पहला जो इंटेल का जो 4004 वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मेड बाय इंटेल इन 1971, ये देखो माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके का दिखता है, ये जो है ये माइक्रो प्रोसेसर आज का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, ये है इंटेल i7, ठीक है, ये i7 माइक्रो प्रोसेसर है 12th जनरेशन का, और ये जो है अभी मैंने करवाया ना आपको माइक्रो प्रोसेसर 4004, ये जो था इंटेल ने बनाया था 1971 में, ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। ये दोनों के बीच में आप कंपैरिजन देख सकते हो, ये देखो ये इंटेल 404 है और ये i7 माइक्रो प्रोसेसर है 12th जनरेशन का, ठीक है, इंटेल कोर फैमिली का है। इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे वो थे 2300, ठीक है, इतने ट्रांजिस्टर थे इसमें, ट्रांजिस्टर्स कितने बिलियंस में, ठीक है। उसके अलावा इसकी 16 पिंस थी, इसमें क्या है 1700 पिंस जो है सिंगल सॉकेट में है, ठीक है, ये सिलिकॉन का बना हुआ था और ये जो है इंटेल 7 प्रोसेसर है, ठीक है, ये 4 बिट बाइनरी कोडेड डेसिमल ओरिएंटेड था, ये था 64 बिट, ठीक है, ये है 64 बिट, और आगे बहुत सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये देखो जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी 750 किलोहर्ट्स है फ्रीक्वेंसी, इसकी है 5.2 GHz तक जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कोर्स, इसमें सिंगल कोर है, इसमें 16 कोर्स हैं, ठीक है, मतलब ऐसे 16 जो है जो प्रोसेसर हैं वो इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो वापस आते हैं,
माइक्रोप्रोसेसर आपने देख लिया। अब आओ मेमोरी यूनिट पे। मेमोरी यूनिट, इसका काम क्या है? इट स्टोर प्रोग्राम और डेटा ऑन द टेम्पररी और परमानेंट बेसिस। ठीक है, ये टेम्पररी या फिर परमानेंट बेसिस पे जो है जो प्रोग्राम जो डेटा या फिर प्रोग्राम है उसको स्टोर करके रखता है। इट हैज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको दिखाया था ना, वो सीपीयू वाले पार्ट के अंदर थी। ये देखो, ये प्राइमरी मेमोरी और ये है सेकेंडरी मेमोरी। तो इसकी दो मेमोरीज होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट आते हैं मदरबोर्ड पे। इट इज अ मेन सर्किट बोर्ड। ठीक है, ये मेन सर्किट बोर्ड होता है, मेन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड या फिर सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है या फिर प्लेनर बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलग अलग जो नाम है, सारे नाम जो है वो याद कर लेना, इसके ऊपर भी जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं मदरबोर्ड के। ठीक है, कॉम्पोनेंट्स में होता है आपका सीमॉस बैटरी, इसमें एक बैटरी होती है। देन फैन होता है, फैन होता है आपका ये जो आपका प्रोसेसर लगाया जाता है उसको कूल करने के लिए। ठीक है, देन SMPS होता है, देन प्रोसेसर चिप होता है, देन बायोस चिप होता है, देन एक्सपेंशन स्लॉट होता है ताकि जो आप जो अपनी रैम वगैरह उसको एक्सपेंड कर सको, देन PCI स्लॉट होता है, देन बसेस होती हैं। बसेस जो होती हैं वो क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट ने जो सिग्नल्स भेजने होते हैं ना, बेसिकली उनको ज्वाइन करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये देखो अपनी ये आपका मदरबोर्ड, ठीक है, इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये देखो PCI स्लॉट है ये। ठीक है, ये बैटरी है जिस बैटरी की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो एक बैटरी लगी होती है। उसके अलावा ये कनेक्टर्स होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो आपके आप उसको कनेक्ट कर सकते हो अपने जो क्या कहते हैं आपके जो पोर्ट्स लगे होते हैं, यहाँ से आप अपनी जो हार्ड डिस्क है, जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है उसको कनेक्ट कर सकते हो, आपका जो माउस है उसको कनेक्ट कर सकते हो, देन आपका जो कीबोर्ड है उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये CPU सॉकेट होता है, इसके अंदर जो है यहाँ पे ये देखो, इसके अंदर जो है वो चिप जो होती है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसके अंदर लगाया जाता है। ठीक है, यहां से जो होती है उसको पावर सप्लाई के लिए होती है ये। ठीक है, यहां से उसको पावर सप्लाई दी जाती है। ये जो पोर्ट्स हैं ये पहले आया करते थे, बहुत पहले के टाइम में ये आया करते थे। उससे पहले जो आपके जो माउस और जो कीबोर्ड थे ना वो इसके थ्रू कनेक्ट हुआ करते थे। ठीक है, आजकल जो है आपके माउस और कीबोर्ड ये पोर्ट के थ्रू ही कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये देखो CPU फैन है, यहाँ पे फैन लगा होता है। ठीक है, बेसिकली इसके ऊपर ही फैन लगा होता है, कई बार यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, तो कई बार ऊपर ही लगा देते हैं, कई बार यहाँ पे जो होता है इसका फैन लगा होता है। ठीक है, ताकि ये जो हो आपकी जो चिप है ये हीट ना हो जाए। ठीक है, और ये सब भी है चीजें, ये आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे रैम है, यहाँ पे रैम लगाई जाती है, और ये एक एक्स्ट्रा स्लॉट होता है, अगर आप जो अपनी रैम हो उसको इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ पे रैम लगा सकते हो। ये हीट सिंक होता है। ठीक है, ये हीट सिंक होता है, ये हीट सिंक का काम करता है, मतलब आपका जो पूरा मदरबोर्ड है उसको उसके अंदर जितनी भी जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको ये सिंक कर लेता है। ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये AGP स्लॉट है। ठीक है, ये साउथ ब्रिज है। ठीक है, चलो वापस आते हैं। मदरबोर्ड हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, अभी देखते हैं आगे। इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स, ये सारे जो यूनिट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट कैसे होंगे। CPU सेंड्स डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टू कंपोनेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर एज वेल एज टू द पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? बहुत बार जो है ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो भी आपकी इनपुट या आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस होती है ना, उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। जैसे कि माउस हो गया, वो भी पेरिफेरल डिवाइस है। आपका जो प्रिंटर हो गया वो भी पेरिफेरल डिवाइस है। देन आपका जो मॉनिटर हो गया वो भी पेरिफेरल डिवाइस है। देन आपका जो कीबोर्ड हो गया वो भी पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, जितनी भी जो आपकी डिवाइसेज आती हैं जो कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखती हैं, या जितनी भी आपकी जो इनपुट या आउटपुट डिवाइसेज जो होती हैं वो सारी पेरिफेरल डिवाइसेज में आती हैं। ठीक है, अब दिस इज अ सेट ऑफ वायर यूज फॉर इंटरकनेक्शन वेयर ईच वायर कैन कैरी वन बिट ऑफ डाटा। ठीक है, बस क्या होती है, अभी पीछे हम करके गए ना, तो बस के बारे में देख लो। अब बस क्या होती है, ये सेट ऑफ वायर्स होती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये एट एट बसेस होती हैं। ठीक है, एट सेट ऑफ वायर्स होती हैं, तो उसमें जो है 8 बिट्स जो होती है ट्रेवल करती हैं। ठीक है, पैरेलली। ठीक है, ऐसे करके 8 बिट्स होती हैं और हर वायर में 1 बिट जो होती है वो ट्रेवल करती है। ठीक है, इन अदर वर्ड बस इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ठीक है, ये जो होती है बस इज अ सेट ऑफ वायर यूज टू फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ ईच वायर विच कैन कैरी 1 बिट ऑफ डेटा। ठीक है, एक वायर 1 बिट ऑफ डेटा जो है वो कंटेन करती है और जो ये जो है ट्रांसफर करती है। कॉम्पोनेंट ऑफ बस कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। एक होती है आपकी इंटरनल बस, जिसको सिस्टम बस भी कहते हैं,
इंटरनल बस जो होती है वो कनेक्ट करती है कंपोनेंट्स इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक सीपीयू और सिस्टम मेमोरी, ठीक है। सिस्टम मेमोरी और जो आपका सीपीयू है उसको कनेक्ट करेगी इंटरनल बस, ठीक है। इसको सिस्टम बस भी कहते हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सॉरी इंटरनल बस में और क्या क्या चीजें होती हैं। द कमांड टू असेस द मेमोरी और द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज कैरियड बाय कंट्रोल बस। द एड्रेसेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी इज कैरियड बाय एड्रेस बस, ठीक है। इसमें एड्रेस बस होती है, कंट्रोल बस होती है, ठीक है। जो तो आपकी कमांड्स हैं कि जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और जो मेमोरी है उसके बीच की जो उनको जो असेस करने की जो कमांड है वो दी जाएगी कंट्रोल बस के थ्रू। और जो इनका एड्रेस होता है, ठीक है, एक इनका जो जितनी भी आपकी डिवाइसेस होती है ना सबके पास ना एक फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। तो उसी एड्रेस के थ्रू जो है आपका जो डेटा जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। वो जो एड्रेस होता है ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो कैरी किया जाता है एड्रेस बस के थ्रू, ठीक है। ये दोनों के जो फंक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे डायरेक्टली सवाल आते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके एक्सटर्नल बस पे। इट कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स जो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है, उसके अलावा एक्सपेंशन स्लॉट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ड्राइव कनेक्ट, कनेक्शन टू द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सारे जो आपका जितने भी एक्सटर्नल जो सिग्नल्स हैं या एक्सटर्नल चीजों को जो कनेक्ट किया जाएगा वो इंटरनल बस के एक्सटर्नल बस के थ्रू किया जाएगा। और जितने भी इंटरनल चीजों को जो है जैसे आपका सीपीयू हो गया या फिर ये जो एड्रेस हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, ठीक है, या मेमोरी हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीजें इंटरनल डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल बस के थ्रू होगा। जितनी भी आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस है वो एक्सटर्नल बस के थ्रू होगा, ठीक है। और फाइनली जो आपका चैप्टर है वो ओवर हो चुका है। अब देखते हैं थोड़ा मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, यूपीएस क्या होता है, ठीक है। जो आपकी बैटरी होती है ना, जो एक्सटर्नल सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करवाती है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। कई बार एज इट इज डेफिनेशन पूछ ली जाती है यूपीएस की, तो इसका मतलब होता है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई या फिर अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। मान लो कई बार आपकी जो लाइट चली जाती है तो आपकी जो पावर सप्लाई है उसमें किसी भी तरह की इंटरप्शन ना हो, तो उस वजह से जो है यूपीएस लगाया जाता है, ठीक है। तो उसका जो नाम है उसके काम में ही दिखता है, ठीक है, कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। देन आते हैं बफर पे। इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज वेयर रजिस्टर होल्ड द डेटा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये टेम्पररी स्टोरेज होती है जिसको बफर कहते हैं, ठीक है। मतलब इतना याद रख लेना, जो बफर होता है वो टेम्पररी स्टोरेज होता है। बफर और एक्यूमुलेटर में आपसे जो है डिफरेंस पूछ लिया जाता है। बफर जो होता है वो टेम्पररी स्टोरेज होता है, और जो रजिस्टर एक्यूमुलेटर होता है ये भी रजिस्टर होता है, और जो बफर होता है ये भी रजिस्टर होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है कि बफर जो है टेम्परेरी स्टोरेज है, जबकि ये है एक्यूमुलेटर है, ये इंटरमीडिएटर का काम करता है, किनके बीच में अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट्स का जो रिजल्ट होता है वो थोड़ी देर के लिए इंटरमीडिएट सॉरी एक्यूमुलेटर में जो है वो सेव होता है, ठीक है। और बाद में जो है वहां से वो जो रिजल्ट है वो आपका मूव हो जाता है आपके परमानेंट स्टोरेज में, ठीक है। और ये जो बफर है इसका भी जो रिजल्ट है वो परमानेंट स्टोरेज में मूव हो जाता है, लेकिन ये होता है टेम्परेरी स्टोरेज होती है, और ये होता है इसमें क्या कहते हैं अकोमुलेटर जो होता है इसमें ये इंटरमीडिएट का काम करता है बिटवीन अर्थमेटिकल लॉजिकल रिजल्ट का, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ प्रोसेसर। इसको मेजर किया जाता है मेगाहर्ट्स में, ठीक है, या फिर साइकिल पर मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद डीएमए की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ये होती है डायरेक्ट मेमोरी असेस, ठीक है। इट इज अ मेथड दैट अलाउ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस टू सेंड और रिसीव डायरेक्ट डाटा डायरेक्ट और टू फॉर्म मेन मेमोरी, ठीक है, और बाय पासिंग द सीपीयू टू स्पीड अप मेमोरी ऑपरेशन, ठीक है। सीपीयू की जो मेमोरी है उसको स्पीड अप करने के लिए जो डायरेक्ट मेमोरी असेस है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमने सारे जो है अपने कर लिए। नेक्स्ट आते हैं आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल पे। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस एज एन इंस्ट्रक्शन इज रेड फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ये क्या होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होता है, इसके जो फंक्शंस होते हैं, चार फंक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शन को फेच करता है कहां से, मेमोरी से, ठीक है। हमने कोई भी मान लो कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक है, तो हमने इंस्ट्रक्शन दी, वो इंस्ट्रक्शन कहां चली जाएगी, कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा, ठीक है। उसी पॉइंट पे क्या होगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, अब हमने कोई इंस्ट्रक्शन दी है तो उसकी कुछ आउटपुट भी तो आनी चाहिए ना, तो ये क्या हमारी जो मेमोरी हमारी जो इंस्ट्रक्शन होगी वो मेमोरी में चली जाएगी। यहां से क्या होगा, फेचिंग स्टार्ट होगी, ठीक है।
इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या करेगा, उस मेमोरी में से जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उसको फेच कर लेगा, देन उसको डिकोड करेगा। ठीक है, वही काम है जो इनपुट आउटपुट वाला काम है। ठीक है, उस चीज को जो है डिकोड किया जाएगा, ताकि जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ में आ जाए कि क्या जो यूजर है वो क्या चाहता है। ठीक है, देन उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूट कहाँ पे किया जाएगा, आपके सीपीयू में। ठीक है, देन उसको अगेन स्टोर किया जाएगा मेमोरी में। ठीक है, और उस मेमोरी से जो आपकी आउटपुट यूनिट होगी, वो उस मेमोरी से जो आपका जो इंस्ट्रक्शन है या डेटा है उसको कलेक्ट करके आपको जो आउटपुट जो आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी जो आउटपुट है उसको प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, स्टेप वन और स्टेप टू यानी कि फेचिंग और डिकोडिंग ये सेम होते हैं, इसको कहा जाता है फेच साइकिल। और स्टेप थ्री और स्टेप फोर ये भी इंस्ट्रक्शंस आर डिफरेंट। देखो, इन अबव स्टेप्स, स्टेप वन एंड स्टेप टू इंस्ट्रक्शंस आर सेम, ठीक है, उसको कहा जाता है फेच साइकिल। बट स्टेप थ्री एंड स्टेप फोर इंस्ट्रक्शंस आर डिफरेंट एंड हेंस नोन एज एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, ये जो लाइन है इसको एज इट इज याद कर लेना। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज करके आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके ऊपर ये आगे जाके ना क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको भी ये जब मैं आपको सेंड कर दूंगा ना इसकी जो पीडीएफ है, तो इन क्वेश्चंस को भी पहले ये सारा पढ़ लेना। ठीक है, पहले क्लास देख लेना, क्लास के बाद इन इस सारे की एक बार रीडिंग मार लेना, और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। वो जो मैं बार बार आपसे कह रहा था ना कि जो जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो सेव हो जाती हैं मेमोरी में, तो वो जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो ना वो सेव होती हैं जीरो और वन की फॉर्म में। ठीक है, इसको बाइनरी बाइनरी नंबर्स कहते हैं जीरो और वन को, और ये होती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी नंबर्स मशीन लैंग्वेज को कहा जाता है, या मशीन लैंग्वेज बाइनरी नंबर्स में होती है। ठीक है, दोनों बातें वाइस वर्सा जो है ट्रू है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस या फिर जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को यही लैंग्वेज समझ आती है जीरो और वन की। ठीक है, तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी जीरो और वन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस फॉर्मेट में जो है आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो सेव होती है या एग्जीक्यूट होती है, तो वो एग्जीक्यूट होती है जीरो और वन की फॉर्म में। ठीक है, जिसको कहा जाता है मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट आते हैं मशीन साइकिल। इट इज डिफाइंड बाय द टाइम दैट टेक, मशीन साइकिल क्या होता है, डेट टेक्स टू फेच टू ऑपरेंड्स फ्रॉम रजिस्टर। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, मतलब हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करेंगे, दो नंबर्स पे परफॉर्म करेंगे या दो करेक्टर्स पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मान लो वन एंड टू है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑपरेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि मान लो हम इस पे क्या कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेशन ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, परफॉर्म करते हैं, तो कंपैरिजन में क्या आता है, लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, तो मान लो हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर को बोला कि हम तुझे जो है दो नंबर्स देते हैं, तुझे क्या करना है इस पे जो है जो कंपैरिजन ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके हमें जो डिजायर रिजल्ट है वो आउटपुट वो प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटर क्या करेगा, वन को जो है बाइनरी फॉर्म में स्टोर करेगा। ठीक है, फिर वो टू को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करेगा, फिर वो क्या करेगा इसके ऊपर जो है परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो देखेगा कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो वो जो कंपैरिजन परफॉर्म करेगा तो वो ये वाला होगा। ठीक है, यानी कि टू बड़ा वाला है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इनको जो है अपने रजिस्टर में सेव करेगा। ठीक है, रजिस्टर में सेव करने के बाद इन पे जो है परफॉर्म करेगा ऑपरेशन। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है अपना काम करेगा, फिर जो आपका जो रिजल्ट होगा उसको अपने रजिस्टर में दोबारा से सेव कर लेगा। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा इसका, टू आएगा। ठीक है, टू को इसने सेव कर लिया, अब सेव किस में किया, इसने बाइनरी फॉर्म में ही दोबारा से इसने सेव कर लिया। ठीक है, अब हमें तो जो है बाइनरी फॉर्म जो है वो समझ में नहीं आती। ठीक है, हमें तो जो है टू, हमें तो टू को पता है, हमें तो टू ही समझ में आता है। तो उसके बाद क्या होगा, इस बाइनरी फॉर्म को जो है जिस फॉर्म में जो यूजर है वो समझ सके उस फॉर्म में उसको प्रोड्यूस करवाया जाएगा आपके आउटपुट यूनिट के द्वारा। ठीक है, तो जो आपका आउटपुट यूनिट है यानी के मॉनिटर जो है आपका, वो टू जो है उसको आपकी स्क्रीन के सामने ला देगा। ठीक है, तो इन सारे जो टाइम में, ये सारा जो टाइम लगा इस सब करने में, उस चीज को कहते हैं मशीन साइकिल। ठीक है, मशीन ने ये सारे फंक्शन जो परफॉर्म किए उसको कहा जाता है मशीन साइकिल। नेक्स्ट आते हैं पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग क्या होती है, इट इम्प्रूव द एग्जीक्यूशन स्पीड बाय पुटिंग एग्जीक्यूशन स्टेप्स ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शन इन टू पैरल। ठीक है, पाइपलाइनिंग का मतलब ये होता है कि जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो पैरल ही काम करें। ठीक है, मान लो आपका जो कंप्यूटर ने ये सारा काम किया ना, कंप्यूटर ने सबसे पहले क्या किया, वो सबसे पहले उसने वन को उठाया, वन को फिर उसने क्या किया, स्टोर किया। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में। फिर उसने टू को उठाया, टू को स्टोर किया बाइनरी फॉर्म में। फिर उसने थ्री को सॉरी लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया। फिर उसने क्या किया, टू को देन अगेन आउटपुट यूनिट में स्टोर करवाया, फिर टू को
एग्जीक्यूट करवाया, ठीक है। तो ये हो गया सीरियल ऑर्डर, ठीक है। सीरियल ऑर्डर में वो सब कुछ कर रहा है। पाइपलाइनिंग में क्या करता है, पाइपलाइनिंग में होता है अब जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो पैरेलल ही चलती हैं, ठीक है। मतलब वो क्या करेगा, एक पॉइंट पे वन को स्टोर कर लेगा, उसी पॉइंट पे वो टू को भी कहीं स्टोर कर लेगा, और उसी के साथ ये जो है उसके ऊपर जो है जो उसने जो इसके ऊपर जो लॉजिकल अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है या जो भी फंक्शन जो इस पे परफॉर्म करना है वो फंक्शन इस पे साथ ही में लगा देगा, ठीक है। और साथ ही में ये जो क्या करेगा, रिजल्ट जो है प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपकी जो स्पीड होगी वो काफी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज को कहते हैं पाइपलाइनिंग, ठीक है। लास्ट में आते हैं सॉकेट। सॉकेट्स किसको कहते हैं, दीज आर द कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द चिप ऑफ द मदरबोर्ड, ठीक है। तो ये दिखा देता हूं मैं, सॉकेट्स किनको कहते हैं। ये देखो, ये सारे जो होते हैं, ये सारे सॉकेट्स होते हैं, ठीक है। जहां पे आपके ये भी सॉकेट है, ठीक है, जो कनेक्ट करवाए ना एक यूनिट को दूसरे यूनिट से, उसको सॉकेट कहा जाता है, ठीक है। ये देखो, ये सारे सॉकेट्स हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी क्लास आई थिंक खत्म हो चुकी है। हाँ, आपकी क्लास जो है इसी के साथ खत्म हो चुकी है। इसके जो क्वेश्चन बैंक है ये हमने साथ ही में सेंड कर दिया आपको, ठीक है। तो ये साथ में ये मेंशन भी किए हुए हैं ये कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है, और साथ में हमने आंसर्स भी भेज दिए हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके से चल रही है, ठीक है। ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द चिप आर रेफर टू एज, ठीक है। जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें जो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर देख लो, उनको सॉकेट कहा जाता है, अभी करवाया ना मैंने आपको। तो ये सारे जो है आप इनको सॉल्व कर लेना। ये देखो, पाइपलाइनिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन फेचिंग, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेटिंग, ठीक है। पाइपलाइन स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्री फेच इंस्ट्रक्शन, प्री फेच, ठीक है। तो ये सारे जो है आप अपने सॉल्व करके तो इन पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारी आज की क्लास जो है वो खत्म होती है, ठीक है। और ये जो दो क्लासेस थी ये हमने सभी के लिए डाली थी, इसके बाद की जितनी भी क्लासेस होंगी वो हमारे सिर्फ जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होंगी, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। और इसके बारे में जो जितने भी कोर्सेज हमारे उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी, एंड थैंक यू सो मच।